हेलो फ्रेंड्स इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष गहलोत आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स एंड मेथड ओवरलोडिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेथड्स बेसिकली क्या है आपने सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी उसमें आपने फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा था ओके okay? तो फंक्शंस की वर्किंग आपने पढ़ी होगी फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड ठीक है उसको हम बार बार में रिपीटेटिव यूज में ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल कॉल फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन का डिक्लेरेशन ये सारे जो टर्म्स हैं आप इससे आई होप के फैमिलियर होंगे ठीक है तो जावा में बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन है उनको क्या कहा गया है इट्स अ मैथड उनको क्या कहा गया है फ्रेंड्स उनको क्या कहा मैथड कहा गया है सो मैथड इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स डेट आर ग्रुप टूगेदर टू परफॉर्म ऑन ऑपरेशन कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का ग्रुप है जिसको हमने क्या कर दिया ग्रुप करके उसके ऊपर हम कुछ क्या कर रहे हैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं टू परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एज मेथड इज बेसिकली सिमिलर टू द फंक्शन इन सी प्लस प्लस एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है ना फंक्शन के फ्रेंड्स कुछ पार्ट्स हैं मॉडिफायर्स मॉडिफायर्स का यही मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे आप जो फंक्शन लिखेंगे उस पर्टिकुलर जो फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा डेफिनेशन होगा तो उसका आप क्या मॉडिफायर्स देंगे उसको आप प्राइवेट देंगे वो प, जो मेथड है पब्लिक होगा होगा या वो प्रोटेक्टेड और अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली कोई एक्सेस स्पेसिफायर अगर आप नहीं देंगे तो उसको क्या माना जाएगा डिफॉल्ट माना जाएगा ठीक है तो इन चारों में से क्या एक्सेस मॉडिफायर्स होगा क्या उसमें आप ये की अप्लाई करेंगे डेट प्लेज ठीक है इसके बाद में फंक्शन का रिटर्न टाइप ओके इस पर्टिकुलर फंक्शन से जो आपने बनाया है क्या उससे कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है या नहीं हो रही है हो रही है तो आप लिख सकते हैं वहां एंड फ्लोट डबल कुछ भी आप लिख सकते हैं नहीं हो रही है तो आप वहां पर क्या लिखेंगे वाइड ओके देन नेम नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करते हुए ही होना चाहिए अगर आपने आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो नहीं किए तो यहाँ पे एरर आ जाएगी ठीक है देन पैरामीटर लिस्ट इन पैरेंथिस की पर्टिकुलर जो हमने फंक्शन बनाया है फ्रेंड्स लेट्स मैंने एक डेमो नाम का फंक्शन बनाया और इस डेमो नाम के फंक्शन में मैं क्या कॉलिंग से पैरामीटर पास कर रहा हूं ठीक है ये मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूं तो ये पैरेंथिस का जो ब्लॉक है खाली रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर आप कोई पैरेंथिस में आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा ओके देन मेथड बॉडी एनक्लोज विद्रेसिस ओके लास्ट में जो भी आपके मेथड की बॉडी होगी उसको आप क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट से क्या करेंगे क्लोज करेंगे तो ये कंप्लीट एक मेथड का रिप्रेजेंटेशन है कि आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड किस तरह से बनाएंगे कुछ टर्म्स जो है इससे हमको फैमिलियर हो जाना है फ्रेंड्स लाइक व्हाट इज अ पैरामीटर एंड व्हाट इज आर्गुमेंट पैरामीटर इज अ वेरिएबल डिफाइंड बाय द मेथड दैट रिसीव्स अ वैल्यू व्हेन मेथड इज कॉल्ड जब मेथड कॉल होता है बाय कॉलिंग द स्टेटमेंट्स तो उसमें हम कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं ठीक है और ये आर्ग्यूमेंट लेता कौन है ऑब्वियसली बात है वो फंक्शन ही लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे लोकली the होगा? होगा वो मेथड की बॉडी के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ एक मैंने मेथड बनाया डेमो नाम का और उसमें मैं दो एज ए इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट पास किए मैंने बाय कॉलिंग ठीक है तो ये जो ए और बी का जो स्कोप है फ्रेंड्स वो क्या होगा लोकल होगा इस बॉडी के अंदर ही होगा इसके बाहर स्कोप एक्सेसिबल नहीं है ठीक है फ्रेंड्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स क्या कहेंगे इसको हम पैरामीटर्स हाँ इसका रिटर्न टाइप यहां पे फ्लोट हो सकता है इंट हो सकता है डबल uh, हो सकता है कुछ भी हो सकता है डेट डिपेंड्स ना वॉट इज आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू डेट इज पास टू अथड ओके जो हम किससे करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग करेंगे तो कॉलिंग में मैंने मान लीजिए दो argument पास कर दिए सो आर द ठीक है 10, so जो हम कॉलिंग से पास कर रहे हैं ठीक है और यहां पर उसको हम क्या कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं तो जहां हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे पैरामीटर जो पास कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे आर्ग्यूमेंट ठीक है तो दोनों में आई थिंक आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क है नाउ फ्रेंड्स वी हैव द टू मैथोडोलॉजी ठीक है आर्ग्यूमेंट पास करने की वो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस देर आर द टू वेज टू पास द आर्ग्यूमेंट ओके बट फ्रेंड्स जो आपने सी या सी प्लस प्लस में सी प्रोग्रामिंग में तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस आपने पढ़ा होगा लेकिन वो कॉल बाय रेफरेंस नहीं वो कॉल बाय एड्रेस है सी प्लस प्लस में आपने यही जो है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस पढ़ा होगा ठीक है लेकिन फ्रेंड्स जावा में बेसिकली क्या है कि एड्रेस का कोई कंसेप्ट नहीं है सो देर इज ओनली कॉल बाय वैल्यू इन जावा कॉल बाय रेफरेंस फॉलो ही नहीं होता है अगर आपको मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करने हो तो उसके लिए हमारे पास में जावा में सिर्फ एक ही तरीका है दैट इज दी कॉल बाय वैल्यू नथिंग एल्स और कॉल बाय वैल्यू आपको पता ही होगा कि डिफॉल्ट मैकेनिज्म में जब आप कोई भी फॉलो नहीं करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू ही फॉलो होती है ठीक है कॉल बाय रेफरेंस बेसिकली आपको एड्रेस की जरूरत होगी बट यहाँ एड्रेस का कोई कंसेप्ट नहीं है so we have only one mechanism that is a call by value in java call by reference बायस nahi नहीं होती ठीक है ठीके? आगे बढ़ते हैं friends now example of call by value आप देख सकते हैं ठीक है कोई value हमने pass की 50 तो yahan पर एक ही argument pass किया है okay तो एक argument पास किया वैल्यू हमने अपडेट की और इसकी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं तो यहां पर आप देखें एक्सेस specifier क्या दिया है आपने पब्लिक दिया है ठीक है अगर आप ये नहीं देते हैं तो ये क्या माना जाएगा बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर माना जाएगा ठीक है उसके बाद में आई एन टी दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन ये मेथड एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ठीक है देन फंक्शन नेम ये जो मेथड नेम है ये आपने दिया और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट ठीक है ये कंप्लीट क्या बन गया आपका एक मेथड बन गया अब इसको आप कॉल कर रहे हैं कहां से मेन से कॉल कर रहे हैं ओके और रिटर्न किया ऑबियसली बात है जब हम कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो कहा जाती है अपने कॉलिंग वाले स्टेटमेंट के पास में जाती है एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जो हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो कहा जाएगी हमेशा अपने कॉलिंग स्टेटमेंट के पास में जाएगी जैसे यहां से वैल्यू रिटर्न हुई तो ये कहा जाएगी जहां से फंक्शन कॉल हुआ है और डायरेक्टली हमने उसको क्या करा दिया प्रिंट करवा दिया आप चाहे तो किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके भी उस थर्ड वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा लिया तो दोनों तरीके वैलिड हैं जो आप फॉलो करना चाहें ठीक है कॉल फॉलो नहीं होती है आपको क्योंकि तो प्लस प्लस में आप पढ़ चुके हैं वहां पे हमने उसको फंक्शन कहा यहां उसको क्या कहेंगे मेथड्स कहेंगे ठीक है तो इसी टॉपिक को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं अब पढ़ रहे हैं हम मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट

ओके पॉलीमोफिज्म मींस कंपाइल टाइम पॉलीमोफिज्म और रन टाइम पॉलीमोफिज्म कंपाइल टाइम पॉलीमोफिज्म जो है उसके अंदर हम अचीव करते हैं फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग का और जो रन टाइम पॉलीमोफिज्म है उसके अंदर हम अचीव करेंगे किसका रन टाइम पॉलीमोफिज्म का या हम उसको कहेंगे कंपाइल या मेथड ओवर मेथड ओवर ठीक है और फ्रेंड्स एक नाम और है जिसको मैं कहूंगा स्टैटिक पॉलिमोफिज ठीक है क्या कहेंगे हम इसको स्टैटिक या मैं इसको कहूंगा अर्ली बाइंडिंग का अर्ली बाइंडिंग ठीक है या आप कह दीजिए स्टैटिक तो ये ये भी एक जो है उसका अल्टरनेट नेम है ठीक है डायनामिक पॉलिमोफिज कह दीजिए ठीक है या हम उसको कहेंगे लेट बाइंडिंग ये है अर्ली बाइंडिंग या उसको हम कहेंगे लेट बाइंडिंग बट फ्रेंड्स अभी हम जो है आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे मेथड ओवर राइडिंग का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इनहेरिटेंस की जरूरत होती है तो पहले मैं आपको इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेथड ओवर राइडिंग आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथड ओवरलोडिंग सो फ्रेंड्स सिंपल सा कंसेप्ट है टू और मोर मैथड सेम नेम ठीक है बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट पैरामीटर्स हो बट सारे जितने भी जो मैथड्स बनाए उनका सबका क्या हो नेम हो वो सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे मैथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट और फ्रेंड्स एक बात आप ध्यान रखिएगा ऑलवेज अगर इन अ सेम क्लास ऑलवेज अगर इन अ सेम क्लास डिफरेंट क्लास है तो वो मैथड ओवर राइडिंग होगी सेम क्लास है तो वो मैथड ओवरलोडिंग होगी ठीक है कंफ्यूज नहीं होगा आप वन ऑफ द वेट टू विच जावा सपोर्ट्स पॉलिमोफिज्म पॉलीमोफिजम को सपोर्ट करने के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है मेथड ओवरलोडिंग की या ओवर राइडिंग की ठीक है इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक पॉलिमोफिज मैथड ओवरलोडिंगल ऑफ स्टैटिक पॉलिमोफिज एंड मैथड ओवर राइडिंग मैथड ओवर राइडिंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक लेट बाइंडिंग भी कहते हैं और इसको अपन कहते हैं अर्ली बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग स्टैटिक पॉलिमोफिज डायनामिक पॉलिमोफिज्म

एग्जाम्पल सिंपल है देख सकते हैं पहले बट इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं एक है बाय चेंजिंग द डेटा टाइप ठीक है दोनों तरीके में आपको जो है इसके एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो है एरिया जो क्लास बनाई है उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया रेफरेंस वेरिएबल है हमारा ए आर और इस दोनों रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हमने क्या किया फाइंड नाम के एक फंक्शन को कॉल किया है और इसकी ओवरलोडिंग की है यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं इंटीजर टाइप के और यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं ये भी कैसे हैं इंटीजर टाइप के बट ये तीन है यहां पे तो पहले में दो आर्ग्यूमेंट पास किए फिर तीसरे में तीन आर्ग्यूमेंट पास किए तो नंबर ऑफ चेंजिंग हो गए आर्ग्यूमेंट एक में दो है यहाँ पर और यहाँ पर तीन है लेकिन फंक्शन का नाम क्या है सेम है फाइंड और फाइंड नाम का फंक्शन है सो so यहाँ पर हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू By changing the number of arguments. पहले दो वाले आर्ग्यूमेंट पास किए तो दो वाला जो है फंक्शन कॉल होगा ये वाला कॉल हो जाएगा और तीन आर्ग्यूमेंट पास किए हैं तो ये वाला जो है मेथड कॉल हो जाएगा और जो भी आउटपुट है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है ठीक है अगर आप चाहें तो यहाँ पर आउटपुट को रिटर्न भी करवा सकते हैं अभी रिटर्न के लिए हमने क्या लिखा है वॉइड लिखा है अगर आप चाहें तो उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है नेक्स्ट जो फ्रेंड्स वो टाइप है बाय चेंजिंग डेटा बाई देखें जैसे कि वो चेंज है आर्ग्यूमेंट्स दोनों में सेम है यहाँ पर भी दो आर्गुमेंट है यहाँ पर भी दो आर्गुमेंट है, है लेकिन डेटा टाइप दोनों, दो दो दोनों में क्या हो गए चेंजेस हो गए तो ये भी कंसेप्ट जो है मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करता है ठीक है ये दो ही तरीके हैं जावा में मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए ठीक है ना सीक्वेंस अगर हम देखें सीक्वेंस देखें तो उससे भी मेथड ओवरलोडिंग अचीव की जा सकती है सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप जैसे मान लीजिए यहां पे दो आर्ग्यूमेंट हैं दोनों में दो दो आर्ग्यूमेंट हैं पहला जो है वो कैरेक्टर का है दूसरा इंटीजर का है यहां पर इंटीजर का हो गया यहां नम का हो गया कोई दिक्कत नहीं है यहां पे ओवरलोडिंग हो सकती है ठीक है बट ओवरलोडिंग कहा नहीं हो सकती है ये मैं आपको बताता हूं इनवैलिड केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग जैसे आप ये इसको ध्यान से देखें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दोनों में सेम है डेटा टाइप भी सेम है तो यहां हम ओवरलोडिंग किसके बेस पे कर रहे हैं रिटर्न टाइप के बेस पे कर रहे हैं सो फ्रेंड्स रिटर्न टाइप के बेस so पर जो है जावा में मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं की जाती है ठीक है टू द सेम नेम सेम पैरामीटर एंड द डिफरेंट रिटर्न टाइप देन दिस इज नॉट अ वैलिड मैथड ओवरलोडिंग ये एक वैलिड मैथड ओवरलोडिंग

ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो यह एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देगा दिस इज द होल केस ऑफ द दूटी ठीक है नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स अब एक और कंसेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग एंड टाइप प्रमोशन टाइप प्रमोशन टाइप प्रमोशन वन ऑफ टाइप प्रमोशन इज प्रमोटेड टू द अदर इंप्लिसिटली इफ नो मैचिंग डेटा टाइप इज फाउंड ठीक है मैचिंग डेटा टाइप मिल जाता है तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर मैचिंग डेटा टाइप नहीं मिलता है तो इम्प्लिसिटली इम्प्लिसिटली का मतलब मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिकली कैसा ऑटोमेटिकली ऑटोमैटिकली इम्प्लिस ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलर एक से दूसरे टाइप में और इसका एक डायग्राम आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से कन्वर्ट होगा बाइट शॉर्ट लेकिन फ्रेंड्स ऐसा ये रिवर्स में नहीं होगा जो डायरेक्शन दे रखी है उसमें ही कन्वर्जन होगा अदरवाइज नहीं होगा की कैसा होगा इम्प्लीसेटली होगा ओके सो so, यहां पर देखिए एंड लॉन्ग में कन्वर्ट हो सकता है ठीक है आपको लास्ट स्लाइड में जो बताया है आप यहां पे ध्यान से देखें सबसे पहले देखिए आप दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं यहां पे तीन आर्ग्यूमेंट पास किए हैं ठीक है यहां पे दो है यहां पे तीन है और ये जो हम आर्ग्यूमेंट यहां पे लिख रहे हैं सारे इंटीजर टाइप के हैं ठीक है बट होगा क्या यहां पे देखिये आप होगा क्या तीन वाला आर्ग्यूमेंट है यहां पर तो तीनों इंटीजर हैं ये हो जाएगा बट पे क्या होगा फ्रेंड्स 20 और 20, एक में इंटीजर है एक में लॉन्ग है तो इंटरनली ये क्या हो जाएगा इंप्लिसिटली क्या हो जाएगा दैट सेकेंड लिटरल विल बी प्रमोटेड टू द लॉन्ग अब जो है ये सेकेंड लिटरल जो भी मिसमैच हो रहा है यहां पर ऑटोमेटिकली इंप्लिसिटली क्या हो जाएगा लॉन्ग uh, में कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है यहां पे दो ये फंक्शन इसको कॉल करेगा ये कॉलिंग और यहां पर ये इसको कॉल करेगा ठीक है सो नो डाउट कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे देखिए आप एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग विद टाइप प्रमोशन इफ मैचिंग फाउंड अब मैचिंग फाउंड हो गई पहले मैचिंग नहीं थी पहले दो आर्गुमेंट थे तीन आर्गुमेंट थे लेकिन अब देखें दो दो आर्गुमेंट है दो दो आर्गुमेंट है, दो -दो आर्गुमेंट है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है क्योंकि देखिए जब मैचिंग फाउंड हो गई तो टाइप प्रमोशन नहीं होगा जब मैचिंग फाउंड हो गई तब टाइप प्रमोशन क्यों होगा जब मैचिंग फाउंड नहीं होगी तो इम्प्लीसिटली टाइप प्रमोशन होगा तो यहाँ ट्वेंटी और ट्वेंटी को अपना रेस्पेक्टेड जो है वो टाइप मैचिंग हो गई तो अब ये लॉन्ग वाला जो है इम्प्लीसिटली कन्वर्ट नहीं होगा लॉन्ग लॉन्ग में कॉल नहीं होगा तो हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा इंटीजर आर्ग्यूमेंट मेथड इन मेथड इन वो किया जाएगा हमारे पास में सो so लॉन्ग वाला यहां पे कॉल भी नहीं होगा ठीक है एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अब एरर कहां पे आ सकती है आप ध्यान से देखें इस केस को ट्वेंटी और ट्वेंटी ठीक है यहां पर ओके तो ये आप देखें एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर है एक लॉन्ग है एक, एक लॉन्ग है एक इंटीजर है तो ये एम्बिगुटी अराइज हो गई यहाँ पे कि किस को किसमें प्रमोशन करें क्योंकि दोनों ही क्या है सेम है इसको इसमें करें या इसको इसमें करें कंपाइलर यहां पे क्या हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा तो जैसे ही कंफ्यूजन की जो है यहां पर सिचुएशन जनरेट होती है टोटली यहां पे क्या आ जाएगी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी जहां कंपाइलर जजमेंट ना कर सके कि, कि किसका मेरे को कॉल करना है और किसका टाइप प्रमोशन करना है डेट सिचुएशन इज द एम्बिक्यूटी यहां पर एम्बिक्यूटी जनरेट हो गई और कंपाइलर ने क्या किया एरर जनरेट कर दिया एरर भी कैसे होगी कंपाइल टाइम होगी रन टाइम नहीं होगी ठीक है क्योंकि कंपाइल टाइम पर ही पता लग जाता है ठीक है मैथड ओवरलोडिंग में कि कब कौन सा फंक्शन कॉल होगा कौन सा नहीं होगा ठीक है सो फ्रेंड्स ये था मेथड्स एंड मैथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ठीक है आई होप कि इस पर्टिकुलर जो हमारा आज का वीडियो है इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो